गाइस आज हम बनाने वाले हैं पनीर रोल। उसके लिए मैंने मैदा का यूज़ नहीं किया है, आटा यूज़ किया है, बिकॉज आटा हेल्दी होता है। और इसको हम नमक डाली हूँ 1 चम्मच, चीनी डाली हूँ 1 चम्मच, और इसको दूध से हम गूँथे हैं, पानी भी थोड़ा, दूध 1 कप, पानी भी 1 कप, उससे गूँथे हैं। उसके बाद 1/2 आवर के लिए ऑयल से हम लोग इसको ऑयल लगा के उसको ढक के रख दिए थे। पनीर बनाने के लिए इसमें मैं एरोरूट ली हूँ, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, और इसमें पनीर जो कि मैं पहले से बॉईल करके रखी हुई थी, तो हम इसको इसमें डालेंगे। नेक्स्ट हम इसमें कर्ड, और सॉल्ट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब इसको बनाएंगे तब वहाँ पे सॉल्ट यूज़ होगा। फिर इसको अच्छे से हम मिला देंगे, अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देंगे, लाइक 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद यहाँ पर उसको मतलब उसका एक सब्जी तो नहीं बोलेंगे, उसको अंदर स्टफ करने के लिए एक स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए ऑनियन मैंने काटा है, कैप्सिकम छोटा छोटा करके, मिर्ची, लहसुन आदि, और टमाटर, उसको हम बनाएंगे। फिर मैं पैन को गरम करने के लिए रखती हूँ, और इसमें ये पेस्ट है जिसमें कि कश्मीरी मिर्ची, फिर रेड मिर्ची और थोड़ा सा जीरा से इसको पीसा गया है, पेस्ट किया है। ऑयल बहुत ही कम यूज़ करेंगे, 2 टेबल स्पून 3 है। इसको गरम होने दो। अब तेल गरम हो गया है, इसमें पहले चीनी डालेंगे 1 चम्मच, क्योंकि मैंने मिर्ची बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें चीनी चाहिए। चीनी थोड़ा रेड होगा, तब तक वेट करेंगे। चीनी मेल्ट हो गया, इसके बाद सबसे पहले हम मिर्ची देंगे, फिर लहसुन, अदरक, और इसको भून लेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे, कैप्सिकम, अच्छे से भून लेना है। इसमें थोड़ी सी हल्दी, बस बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैंने अभी तक नमक नहीं डाला हुआ है, नमक बाद में डालेंगे जब सब भून जाएगा। अभी मैं मसाला डालूंगी जो मैंने पीसा हुआ था। नेक्स्ट टमाटर देना है, इसमें नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं, बस। मैंने इसको ढक के रख दिया था, अभी ये हो चुका होगा। अब इसमें जो मैंने पनीर को एरोरूट के साथ मिक्स करके रखा था उसको मैं दे दूंगी। अब इसको अच्छे से मिलाना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। ये ऑलमोस्ट होने को आ गया है, इसमें हम चाट मसाला थोड़ा सा डालेंगे बस, और इसको फिर मिलाएंगे। मैंने इसमें थोड़ा और ज़्यादा सॉल्ट ऐड किया है, तो आपको जैसे समझ में आया वैसे ऐड कर लीजिएगा। सो अभी ये तैयार हो चुका है पूरी तरह से, हम गैस ऑफ कर लेंगे। अब मैंने जो वो गूथा हुआ था उसकी मैंने छोटी छोटी गोलियाँ बनाई, छोटी नहीं, काफ़ी मीडियम साइज़ की गोलियाँ बनाई हैं, बिकॉज ये रोल है तो बड़े होंगे, और वहाँ तवा गर्म करने के लिए बैठा भी हूँ। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको, इसको जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं वैसे ही बेलना है। पहले मैं थोड़ा तेल डाल दूंगी, इसको फैला दूंगी। अब इसको नॉर्मल जैसे रोटी होता है वैसे ही हमको पकाना है, अच्छे से दोनों साइड, जब तक ये दोनों साइड में लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा तब तक हमें इसको सेकना है। तो ऑयल के साथ
ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसको हम निकाल देंगे, दूसरा चना लेंगे। यहाँ पर न्यू लिया है और इसमें देना है मिंट, जो मैं इसको मिला दूँगी ब्लैक पेपर। ऑलरेडी इसमें होता है पर फिर भी रोल के अंदर स्टफ डालने के लिए मैंने कैबेज ले लिया है और ऑनियन छोटा छोटा काटती हूँ पतला पतला, कैप्सिकम, कुम्बर, कैरेट।